ईच एंड एवरी इंसिडेंट हम लोग डिटेल्ड इंक्वायरी कर रहे हैं। कई इंसिडेंट्स में बहुत ही एक वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड सा दिख रहा है जिसको सीरियसली लेना चाहिए। रेलवे और डिफेंस दो ऐसी संस्थाएं हैं देश में जो कि दे शुड बी अबव पॉलिटिक्स, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, अपक्ष हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सिटीजन्स हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इंडस्ट्री हो, हर किसी को मिलकर वी शुड ट्राई एंड मेक श्योर दैट रेलवे रन्स इन अ वेरी एफिशिएंट मोड। तीन रेलवे प्रोजेक्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने ऐलान किया जिसके को मंजूरी मिली है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार जो सेबोटेज की खबरें आ रही है, कहीं ट्रैक पे बोल्डर्स हो रहे हैं, कभी जिस तरह से चीजें आ रही है उस पर भी कुछ बात हुई है, उसको लेकर रेलवे क्या सोच रहा है कि इसको कैसे रोका जाए और इसको किस तरह सोच रहा है कि जानबूझ के हो रही है, क्योंकि बोल्डर्स मिलना और कई तरह के चीजें मिलना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। देखो, ईच एंड एवरी इंसिडेंट हम लोग डिटेल्ड इंक्वायरी कर रहे हैं और कई इंसिडेंट्स में बहुत ही एक वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड सा दिख रहा है जिसको सीरियसली लेना चाहिए। और मैं नहीं मानता कि रेलवे कोई पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप का विषय है। रेलवे एक ऐसी संस्था है, रेलवे और डिफेंस दो ऐसी संस्थाएं हैं देश में जो कि दे शुड बी अबव पॉलिटिक्स, जिसमें हमें कहीं पर भी देश के लिए जो जरूरत है, देश की लाइफलाइन है, इसके कहीं पर भी कोई भी अगर नेगेटिव इसमें होता है तो उसके ऊपर हम सबको मिलके, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, अपक्ष हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सिटीजन्स हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इंडस्ट्री हो, हर किसी को मिलके वी शुड ट्राई एंड मेक श्योर दैट रेलवे रन्स इन अ वेरी एफिशिएंट मोड। सारा फोकस उस पर है और इसके अलावा मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन जरूर इस तरह की एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड दिखाई दे रही है और कुछ आज न्यूज़पेपर्स में भी मैंने सुबह पढ़ा था, कुछ ऐसी खबरें भी आई हैं जो और भी डिस्टर्बिंग है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।